And here we go. You can ask your questions now. And as we said, we're going to be live. I'm like 2 minutes late. Thodi setting mein time lag jata hai. Sorry for that. And you may start your questions. And first 10 questions will be answered as always, right? And do questions hum lenge, do teen questions hum lenge, jo ki hamare ho jate hain extra. And bonus questions, right? So bonus questions will also be taken. पिछली बारी हमें थोड़ा सा इशू आया था हमारे इसमें क्वेश्चन की लिस्ट देखने में. अब की बारी मैं और कुछ ट्राई कर रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ कि शायद इसमें कुछ दिक्कत ना आए, तो मैंने कहा चलो भाई साहब आईपैड से देखते हैं कि हमें लाइन से क्वेश्चन दिखें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आइए लाइव हम बात करते हैं एक बार फिर. सो वेलकम एवरीवन, दिस इज़ बेल का दम. अगर आपने बेल का आइकन दबाया था तो आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा और आप लाइव आ गए हैं. ये बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ लोग बड़ी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. अमित सिंह जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. थोड़ा सा यार मैं ज़्यादा ही वो दिख रहा हूँ पीछे से ना, इसको हटा दो कोई बात. अमित सिंह जी पूछ रहे हैं अबाउट दिस कि सर क्या गैस से पेन होता है? मुझे कभी कभी हार्ट के पास पेन होता है और ट्रैवल भी करता है नीचे ऊपर आगे पीछे शोल्डर और यस. इट हैज़ नॉट बीन एग्जैक्टली नोन कि ये कहाँ कहाँ जा सकता है, लेकिन गैस से रेफर्ड पेन हो सकता है. रीज़न क्योंकि गैस से एक्चुअली आपके स्टमक का साइज़ बढ़ता है, स्टमक का साइज़ डिस्टेंड होता है, तो स्टमक प्रेसेस अगेंस्ट मेनी ऑर्गन्स. सो स्टमक कैन प्रेस अगेंस्ट डायफ्राम से कई जगह पे इरिटेबिलिटी पेन हो सकता है. और दूसरा स्टमक कैन प्रेस अगेंस्ट मेनी ऑर्गन्स, तो वो हर जगह पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेफर्ड पेन इज़ पॉसिबल. सो ये बिल्कुल 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 देखा गया है, नो डाउट, राइट. फर्स्ट इज़ दैट. सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्सरसाइज रनिंग और एक्सरसाइज रनिंग योगा जिम एकदम खाली पेट करनी चाहिए या कुछ खाकर? वेरी गुड क्वेश्चन स्टुअर्ट लेविस जी. दी ऑब्जेक्टिव मैटर्स. अगर आपका ऑब्जेक्टिव है मसल गेन तो फिर आपको कुछ खा के करना चाहिए. अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको करना है वेट लॉस तो फिर आपको करना चाहिए खाली पेट. रीज़न क्योंकि जब आप खाली पेट करते हैं तो ज़्यादा आप नॉन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फैट यूज़ करते हैं एज एनर्जी. और फैट जब यूज़ करते हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मसल्स की नहीं कर पाएंगे, आप काइंड ऑफ ए कार्डियो ज़्यादा करेंगे. सो जब आप कार्डियो कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप खाली पेट करें. और जब आप ये कर रहे हैं क्या नाम है वेट गेन वेट ट्रेनिंग, तो आपको ट्राई करना है कि आप कुछ यानी थोड़ा बहुत कार्ब्स जैसे कि फ्रूट्स, बेस्ट फ्रूट्स या थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एक आधा आलू थोड़ा बहुत ये एक छोटी मोटी चीज़ आधे एक घंटा पहले खा के एक्सरसाइज करें. दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच. ऑलराइट, उसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा ना मेरे को स्टैंडिंग में पोजीशन क्लियर नहीं हो रही कि मैं कैसे खड़ी हूँ, सॉरी फॉर दैट. ओके ये मैं अभी देख लेता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टुअर्ट जी. तो समझ गए कुछ खाना इज़ मोर अबाउट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. देन कमिंग ऑन टू प्लीज़ टेल मी. अब वैसे मैं जब एक्चुअली उस टाइप की मसल करने जा रहा हूँ जिसको मुझे एक्चुअली ग्रो करना है तो मैं कुछ खा के जाऊँगा. और अगर मुझे कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो मुझे वेट लॉस करना है जहाँ से जो मसल का या काइंड ऑफ कह लीजिए तो वहाँ पर मैं बेसिकली या मैं बड़ी मसल यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए लेग्स कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो आई हैव टू थिंक कि मुझे वेट गेन कर रहा है लूज़ करना है. अगर मैं लूज़ करना चाहता हूँ तो फिर मैं बहुत मिनिमम खा के या नहीं खा के खाली पेट करूँगा. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. वैसे आइडियली खाली पेट यानी सुबह सुबह आपको 5-10 मिनट की एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए. दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, राइट. देन कमिंग आउट एक्सरसाइज योगा हो गया सेकंड. थर्ड क्वेश्चन सर प्लीज़ टेल मी कैन वी अप्लाई सनस्क्रीन ओवर द मॉइस्चराइजर ऑन एक्ने एंड हाइपर पिगमेंटेशन फेस मॉइस्चराइजर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एलोवेरा कैलामिन एंड पैराफिन. हाँ देखिए ऐसा है, सनस्क्रीन हैज़ टू बी अप्लाइड ओवर द मॉइस्चराइजर ओनली. आप ये बात समझिए यू डोंट हैव टू अप्लाई एनीथिंग ओवर एनीथिंग एल्स, बट द पॉइंट इज आपको उतना ही मॉइस्चराइजर लगाना है जो आपके स्किन में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए.
अगर स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर दिख रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है, तो आपने बहुत ही ज़्यादा लगा लिया है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बात समझे। सो मॉइस्चराइजर उतना ही लगाइए जितना कि स्किन के अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, और एक बार मॉइस्चराइजर पूरा एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद कुछ भी लगाओ। उसके बाद सनस्क्रीन लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, दैट इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट। सो ऑब्वियसली जब बाहर जा रहे हो तो ऐसे तो नहीं करोगे कि मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन के बगैर लगाओगे, ऐसा थोड़ी है, है ना। तो सनस्क्रीन चाहिए अगर बाहर जा रहे हो धूप में, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। देन एलोवेरा, कैलोमाइन, पैराफिन आर गुड, नो प्रॉब्लम, लगा सकते हो। पैराफिन इज लिटिल, एलोवेरा वाला लगाओ अगर एक्नी हो रहा है तो, कैलोमाइन और एलोवेरा ठीक है, पैराफिन वाला मत लगाओ, एलोवेरा इज गुड। पैराफिन में क्या है, क्योंकि इट्स अ वैक्स काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो आपकी थोड़ी बहुत बढ़ा सकता है उसे जो कहते हैं टेंडेंसी एक्नी की, राइट। बढ़ा सकता है, हर एक में बढ़ाएगा जरूरी नहीं। नमस्कार दीपक जी, प्लीज़ टेल मी अबाउट वाइट हेयर्स, क्या कोई सिस्टम है कि सर के हेयर्स को नेचुरली ब्लैक किया जा सकते हैं? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जनाब, मैंने जो बताया था प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स अगर हो रहे हैं, कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है जिसके वजह से वाइट हो रहे हैं, तो उस डिजीज़ बीमारी को ढूंढ के उसे ठीक करने से ज़रूर आपके वाइट हो सकते हैं, वरना ऐसा कोई ख़तरनाक या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपके हेयर्स जो हैं वो वाइट रहें। और बात समझ रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, ये है YouTube। फिर उसके बाद मेरा एक वीडियो भी है इसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है, वाइट हेयर्स बाय डॉक्टर एजुकेशन, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स बाय डॉक्टर एजुकेशन, अगर आप टाइप करेंगे YouTube पे तो आपको वो वीडियो मिल जाना चाहिए। हाँ, आज थोड़ा थक गए हम, और पता नहीं क्यों हमने पूरी अनकंफर्टेबल पोजीशन ले ली है। एनीवेज, नमस्कार सर, ये तो हो गया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कोई सिम्टम? विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, बेसिकली साइकोसोमैटिक सिम्टम्स होते हैं। आपको नसों का दिक्कत आ सकती है, नर्व्स में सुन, मैंने हाथों पैरों में सुनपना आ सकता है, आपको मुंह में छाले, पेट में अल्सर्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जब प्रेजेंट करता है पेशेंट, ऐसे ही कुछ प्रेजेंट करता है, और आपको मस्कुलर वीकनेसेस, मैले, बहुत सारी चीज़ें, एनीमिया, खून की कमी B12 के वजह से, सो वीकनेस, फटीग, बहुत सारे सिम्टम, लिटरली बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं B12 के ऊपर। B12 के मैं बनाऊंगा एग्जैक्टली आपको बताऊंगा उसके क्या क्या फंक्शंस है, बट क्वाइट फ्रैंकली B12 की डेफिशिएंसी हर उस इंसान में है जो वेजिटेरियन है और दूध नहीं पीता या फिर फोर्टिफाइड खाना नहीं खाता। तो B12 खाइए, है ना, फोर्टिफाइड चीज़ खाइए, या फिर दूध पीजिए, या फिर आपको खाना पड़ेगा नॉन वेज, या फिर कोई मल्टीविटामिन जिसमें B12 है, B12 का कॉम्बिनेशन, राइट। और फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ, लाइव चैट शुरू हो गई है, समझ पोटेंशियली स्पैम में नॉट बी विजिबल। ऐसा क्यों होता है बार बार? क्योंकि ये ना क्या करता है, ये गायब कर देता है। ये भाई साहब जो है ऊपर से, टॉप से मुझे अचानक से लेवल ही हट जाता है, तो भाई मुझे पता ही नहीं चलता वेयर एम आई। सो अब मुझे वापस मोबाइल पे आना होगा, ये क्या नाम है इसका, टैबलेट किसी काम का नहीं रहा, तो मैं वापस मोबाइल पे देख रहा हूँ कि मोबाइल से ही मुझे दिख जाए कुछ। ओके, सो 1, 2, थर्ड क्वेश्चन इज डन, फोर्थ इज डन। एग्ज एज बिफोर बेड मील, एग्स एज और बिफोर बेड मील आर ऑल ओके, नो प्रॉब्लम, एज द प्रोटीन्स, नथिंग टू वरी अबाउट प्रोटीन्स। एग उतना ही ओके है जितना कि आपके बीन्स, जितना कि आपके दूध, जितना कि आपके हर रात को दूध तो सभी पीते हैं, तो उतना ही ओके है जितना दूध है उतना एग्स हैं, एग्स का प्रोटीन है। अब एग का प्रोटीन, किसी किसी को एलर्जी होती है, एलर्जी है तो अलग बात है, बाकी आप खा सकते हो, तो नो बिग डील, ओके। हे भगवान, कितने लोग मैस्ट्रबेशन के बारे में परेशान है। सागर कोठारी जी, मैस्ट्रबेशन के बॉडी बिल्डिंग पे कोनो इफेक्ट ना ही आहित, ओनली मानसिक इफेक्ट है। अगर कोई आपको डराएगा तो आपको डर लगेगा, इसलिए आपको लगेगा आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ अनैचुरल कर रहे हो, क्योंकि आप छुप के कर रहे हो, जो चीज़ खुले में नहीं कर सकते उसको लोग गलत बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, सिर्फ आपके मन पे असर पड़ता है क्योंकि लोग बोलते हैं, वरना कोई असर नहीं है। आप रात को आराम से, शांति से मैस्टरबेट कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज से पहले मत करना बस, क्योंकि उसके बाद आपको नींद आएगी। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे लगता है इस पर वीडियो बनाना ही पड़ेगा। ओके, साइड अजराजी, लेफ्ट आर्म पेन सिंस 2 ईयर्स नाउ, दिस इज अ साइन ऑफ कैल्शियम विटामिन डेफिशिएंसी, राइट। क्रोनिक लेफ्ट आर्म, क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन इज वेरी कॉमनली बिकॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी। सो विटामिन डी, विटामिन B12 चेक कराइए, पहले वो ठीक करिए, अगर उससे ठीक हो गया सो यू आर सॉल्व, अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो और 90 कारण है
90 और कारण है लेकिन उनकी किसी से जान नहीं जाएगी, वैसे इससे भी नहीं जाएगी। ओनली ओनली रीजन वाई विच कैन किल यू इज योर हार्ट। सो हार्ट का रीजन 2 साल नहीं चलेगा। अगर एग्जर्शन पे पेन है देन इट माइट बी हार्ट, बट इट्स अनलाइकली। ओके, एज के ऊपर, रिस्क फैक्टर के ऊपर देखिए। चेस्ट पेन आप चेस्ट पेन का वीडियो देख सकते हो, चेस्ट पेन या हार्ट सीरीज है नीचे लिंक, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। बट टू फर्स्ट विटामिन B12 चेक कराइए, विटामिन डी चेक कराइए, B12 सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट या इंजेक्शन लगाइए, आपको कुछ दिनों में ठीक लेने लग जाएगा। राइट, होता क्यों है ये सोचिए। आपके शरीर में कैल्शियम है, कैल्शियम एक्ट्स लाइक ओपनिंग, एड्स फॉर ओपनिंग ऑफ डोर्स। जितने भी चैनल हैं, आयरन चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल, अदर चैनल, आई मीन मेजॉरिटी, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कैल्शियम से खुलते हैं। राइट, कैल्शियम अटैच होता है तो वो खुलते हैं। सो चैनल्स खुलते हैं मीन्स इवन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, मसल रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम चाहिए, हार्ट नीड्स कैल्शियम, एवरीथिंग नीड्स कैल्शियम। राइट, सो कैल्शियम, दैट्स वाई आपकी बोन्स भरी हैं कैल्शियम से। तो आप जब विटामिन डी नहीं होता, कम हो जाता, धूप में नहीं जाते, जाते ही नहीं हो, तो फिर कैल्शियम कम हो जाता है, बिकॉज विटामिन डी की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा, अंदर नहीं आएगा, कम आएगा, और खा भी नहीं रहे हो कैल्शियम, दूध भी नहीं पी रहे, कोई हाई कैल्शियम वाला फूड भी नहीं खा रहे, तो हो जाता है। अब कैल्शियम नहीं आ रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो हड्डियों से कैल्शियम निकलता है, हड्डियों से कैल्शियम यूज होता है, और हड्डियां खाली थोड़ी जाएंगी, खोखली थोड़ी जाएंगी, खड़े खड़े टूट जाएं। राइट, योर बॉडी गिव्स अ सिग्नल देन, ओके आई डोंट हैव कैल्शियम, ओके यू कैनॉट डू ओवर एग्जर्शन नाउ। वो फिर आपकी बॉडी की बॉडी सिग्नल देगी, जब भी आप कोई भी मसल का ओवर काम करोगे वो मसल में क्रैम्प आ जाएंगे। अब हाथ में आएंगे तो आप ऐसे ऐसे कर लोगे, अब गले में आएंगे तो आप ऐसे ऐसे करके ठीक हो जाओगे, लेकिन जब यहाँ से दर्द होता है रिब्स के बीच में, तब आप ऐसे नहीं कर सकते। तो रिब्स के बीच में या नेक में, यहाँ पे, हाथ में कैल्शियम की वजह से स्पाजम्स हो सकते हैं। राइट, स्पाजम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैल्शियम हाई हो तो स्पाजम, कम हो तो स्पाजम। राइट, ये है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो गेट है ना, ज़्यादा खुलेगा तो भी गड़बड़, नहीं खुलेगा तो भी गड़बड़। ओके, जसप्रीत सिंह जी ने SARMS साम्स के बारे में बोला है, जिम में बहुत यूज़ करते हैं मसल गेन के लिए, ये भी एक तरीके का स्टीरॉयड है, क्षमा करिएगा, बिल्कुल इसके बारे में जानकारी आएगी, एक स्टीरॉयड है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, आई डोंट रेकमेंड, आई डोंट अग्री विद द यूसेज, गलत है जो भी यूज़ कर रहा है, आप बिल्कुल इसके बारे में सोचिएगा मैं बात। ऑलराइट, ओके, इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगा। रिमशा राफी, रिमशा जी बोल रही हैं, 23-year-old फीमेल अनमैरिड, ये हाइट है और ये वेट है, 45 kg वेट है, हाउ टू गेन वेट, वेरी सिंपल, यू हैव टू ओवरलोड योर सिस्टम। अगर आप खाना ज़्यादा नहीं खाते हो तो पहले खाना ज़्यादा खाना शुरू करिए। कुछ अच्छी चीज़ें मैं बता देता हूँ जो वेट गेन में जल्दी आसानी से मदद करेगी। पहली चीज़ आप ट्राई करिए पीनट बटर, पीनट बटर दिन में 3 बार खाइए, पनीर, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ ट्राई करिए, डबल सॉरी टोंड या फिर फुल क्रीम वाला दिन में 2 से 3 बार लीजिए। वेज सॉरी नॉन वेज हैं तो फिर बात ही कुछ नहीं, नॉन वेज खाइए, चिकन, मटन, बीफ जो खाना है, अंडा खा सकते हो दिन में 2 बार, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा, दैट इज़ ऑल व्हाट यू नीड फॉर गेनिंग वेट। एंड एक्सरसाइज, थोड़े से स्क्वाट्स करिए, स्क्वाट्स आर द बेस्ट एक्सरसाइज विच विल बूस्ट योर हॉर्मोन्स। राइट, सो स्क्वाट्स और स्किपिंग इज द बेस्ट टू लूज वेट, स्क्वाट इज द बेस्ट टू गेन वेट, यस, वन ऑफ द बेस्ट, आई मीन ऐसा नहीं कि वही है, बट बहुत सारी है, बट कंपाउंड एक्सरसाइज में वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाट्स। सो आप ये करिए, एक छोटा वीडियो भी है वेट गेन का, मेरे वीडियो मेरे चैनल पे। राइट, आपको पूरी डाइट असेस करनी पड़ेगी कि आप क्या खा रहे हो पूरे दिन में, आपकी कैलरीज ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको अपने थोड़े दिन के लिए कैलरीज ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी एंड डेफिनेटली वेट गेन होगा। राइट, अगर फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कोई क्रोनिक बीमारी चल रही है फिर, क्योंकि बीमारी ही एक चीज़ है जो वेट गेन नहीं होने देती, वरना इतने डाइट एक्स्ट्रा करने से वेट गेन होता ही होता है। राइट, देन लेट्स टॉक अबाउट हितेश शर्मा जी कह रहे हैं क्रिएटिन ले सकते हैं विथ नो साइड इफेक्ट्स। आपने मेरा क्रिएटिन का वीडियो नहीं देखा हितेश शर्मा जी, वरना आप ये सवाल नहीं पूछते। ऑल तो थोड़ा सा लंबा वीडियो है 20-25 मिनट का, बट उसमें हर एक चीज़ अच्छे से समझाइए। येस यू कैन टेक क्रिएटिन, एनी बडी कैन टेक क्रिएटिन विदाउट साइड इफेक्ट्स, और आपके अंदर क्रिएटिन जाता ही है, 1 ग्राम क्रिएटिन हर एक डाइट से जाता ही जाता है, हाई प्रोटीन डाइट से 2 से 3-4 ग्राम तक चला जाता है। सो क्रिएटिन खा ही रहे हो है ना, तो एक्स्ट्रा पाउडर भी ले सकते हो, नो बिग डील, बट लिमिट में। वैसे तो उसका साइड इफेक्ट बड़े से बड़े डोसेस में भी कमी देखा गया, अनलेस एंड अंटिल आप पानी सही से पी रहे हो। राइट, तो क्रिएटिन का वीडियो देखो, क्रिएटिन बाय डॉक्टर एजुकेशन, खुश रहो। राइट, विशाल जी कह रहे हैं स्किन इन्फेक्शन गोल दाग कितना ठीक होगा जी, स्किन इन्फेक्शन कुछ और चीज़ होती है, इन्फेक्शन इज व्हाट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक को इन्फेक्शन कहते हैं। गोल दाग है आपके स्किन के ऊपर, काइंड ऑफ अ रिंग वर्म इज बेसिकली नॉट अ वर्म, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। सो रिंग वर्म फंगल इन्फेक्शन होता है, इट्स बेसिकली
फंगस को एंटी फंगल क्रीम लगाना पड़ेगा आपको, आप ट्राई कर लो। वैसे तो कोई भी ओवर द काउंटर क्रीम काम कर जाती है। द प्रॉब्लम विथ फंगल इन्फेक्शन इज़ इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, इम्प्रॉपर हाइजीन। जब भी आपके फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, यही कारण है, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, इन प्रॉपर हाइजीन। एंड थर्ड इज इम्यूनो सप्रेसेंट, मतलब इम्यूनो सप्रेसिव थिंग, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, राइट। तो सो पहले एंटी फंगल क्रीम लगाओ, हाइजीन मेंटेन करो, एक दो हफ्ते में ये ठीक हो जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा है तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ एंटी फंगल क्रीम कौन सी लगानी है। सो आई वुड नॉट से कि ऐसी कोई एक प्रिफरेंस वाली क्रीम है, बट यू कैन ट्राई, बहुत सारी आती है, कैंडिड बी, बैकलेट सी, फ्यूसाइट, फ्यूजिटिक एसिड वाली आती है, सो यू कैन ट्राई वन ऑफ देम, ट्राई, देखो कैसा इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा क्योंकि देख के बताना ज़्यादा बेटर है कौन सी क्रीम ज़्यादा बेटर है, राइट। फ्यूजिक एसिड वाली क्रीम भी ले सकते हो, फ्यूजिक एसिड विद बेक्लामेथासोन, राइट। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 क्वेश्चंस, रदर 11 क्वेश्चंस आर डन। अब मैं थोड़े रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऊपर खप एंड स्टॉप। सनी जी का क्वेश्चन है, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। उसके नीचे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, अमोल टिकोना, अमोल टिकोना जी, हाउ टू क्योर साइनस, साइनस इज एन एलर्जिक डिजीज, एलर्जी को क्योर करना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी और अपने एलर्जेन को ढूंढना होगा। जी हाँ, अगर घर में चोरी हो रही है बार बार तो चोर कौन है ढूंढना पड़ता है, वैसे ही आपको ढूंढना होगा कि आपका एलर्जेन कौन है, ठंड है या पोलन ग्रेन है या फूल है या क्या चीज़ है आपके आसपास, डस्ट है जो आपके साइनस बार बार इरिटेट कर रही है। साइनस इन्फेक्शन इज अ डिफरेंट, साइनस एलर्जी इज अ डिफरेंट। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, बार बार नहीं होगा, बार बार हो रहा है तो एलर्जिक साइनोसाइटिस है। एलर्जिक साइनोसाइटिस में साइनसेस, फेस के 1, 2, 3, 4 जितने साइनसेस हैं, हो सकता है उनमें से एक आधा भर जाए, आधा भर जाता है तो साइनस में हेडेक वेडेक से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स बेसिकली कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कफ वाला आप मेरा वीडियो देखिए, कॉमन कोल्ड कफ में बेसिकली उसके बारे में बताया। मोस्टली वायरल भी होता है, वायरल इन्फेक्शन भी होता है और बैक्टीरियल भी होता है। पस आ रहा है तो अलग चीज़ है, वरना ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको खाना पड़ेगा एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, एंटी हिस्टामिन्स, रात को एक बार एंटी एलर्जिक, अगर एलर्जी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आपको लेना होगा पानी, पानी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको बचाएगी। डू यू नो दैट, स्किन इन्फेक्शन हो पानी, साइनस इन्फेक्शन हो पानी, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, 4 से 5 लीटर पानी आपको बचाएगा। तो 4 से 5 लीटर पानी पीजिए और आपको बचाएंगे आपकी अच्छी डाइट, विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, ये चाहिए आपको। तो इसमें से बाकी चीज़ें तो आपके डाइट में अच्छी होंगी। फ्रूट्स ज़्यादा खाना शुरू करो, दूध लेना शुरू करो, या फिर विटामिन B12, डी और सी, इनके सप्लीमेंट्स लो, ओमेगा 3 के भी लो। इससे हो, आप देखोगे 1-2 महीने में, एक दिन में नहीं होता ये सब, डेफिशिएंसी एक दिन में नहीं, बटन बटन वाला काम नहीं है कि बटन दबाई लाइट चालू, बटन बंद लाइट बंद, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, ठीक है। तो 1-2 महीने में आप देखोगे आपकी ये साइनस की प्रॉब्लम कम कम होती जाएगी। डाइट इज द कोर ऑफ मोस्ट थिंग्स, नॉट एवरीथिंग, राइट। ओके, देन एक रैंडम क्वेश्चन और ले रहे हम, टचिक। ओके, सिद्धार्थ प्रदा जी, सर यू टोल्ड दैट इट्स अ वेस्ट टू ड्रिंक वे आफ्टर वर्कआउट बिकॉज इट टर्न्स इनटू ग्लूकोज, सो व्हाट शुड वी हैव आफ्टर वर्कआउट। सी, इट्स नॉट अ वेस्ट टू ड्रिंक वे आफ्टर वर्कआउट, इट्स नॉट वाइज, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स रॉन्ग, इट्स ब्रो साइंस। उसमें से कुछ अमाउंट वेस्ट जाएगा, आप ऑलरेडी इतने महंगे वो वे प्रोटीन के लिए आप पैसे दे रहे हो जो आपकी डाइट में है, भरपूर है, जो आपके होना चाहिए। पुराने ज़माने में क्या बॉडी नहीं होती थी, लोग क्या बड़े बड़े नहीं होते थे, हमसे हाइट भी ज़्यादा होती थी, दूध मक्खन, दूध दही पनीर लस्सी छाछ दबा के खाते थे, राइट। क्यों पंजाबी ज़्यादा हट्टे कट्टे होते हैं कि दूसरे, दूध दही और क्या खाते हैं यार, राइट। दैट इज़ द आइडिया, दूध से ही तो वे निकलता है, दूध को फाड़ो, उसमें से पनीर बना लो, वो पनीर में जो बाकी बचा हुआ पानी फेंक देते हो, उससे वे प्रोटीन बनता है, उससे, टेक्निकली दूध से। तो दूध पियो, आपको वे प्रोटीन वाला प्रोटीन भी मिलेगा और केसिन प्रोटीन भी मिलेगा। रिसर्च करके देख लो, केसिन प्रोटीन हैज बीन प्रूवन कि वो वे प्रोटीन से बल्कि बेटर है वेट गेनिंग मेंटेनेंस में, लॉन्ग टर्म में, राइट। इसीलिए आप देखोगे अब आज के डेट में ऐसा कोई बॉडी बिल्डर नहीं होगा जिसके पास वे प्रोटीन के साथ केसिन प्रोटीन का डब्बा ना हो, और वो भी पागल लोग हैं। दूध पियो चुपचाप, केसिन प्रोटीन का डब्बा अलग से, हद होगी है। लोग आपको बना बना पाउडर दे रहे हैं, आप ले जा रहे हो, बाकी हाँ ठीक है ले सकते हो, पैसे है तो लो, गरीबों को क्यों तंग कर रहे हो भाई, पॉइंट समझो। प्रोटीन डाइट से लो जितना हो सके,
वे प्रोटीन का काम है जो लोग डाइट से पूरा नहीं कर पाते उनके लिए वे प्रोटीन है, जो लोग डाइट से पूरा नहीं कर पाते उनके लिए, बाकी किसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। खाने के बाद क्या खाना चाहिए आफ्टर वर्कआउट? आपको वर्कआउट के बाद लेना चाहिए पानी, सबसे पहले पानी, बिकॉज उस समय आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है, उस समय फैट यूज़ करके एनर्जी निकली है, उस समय प्रोटीन और बाकी फैट्स इस्तेमाल हो गए एनर्जी, तो आपके बॉडी को पानी चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, राइट? और आप चाह रहे हो कि आपका फैट ज़ीरो हो जाए, चाह रहे हो ना फैट कम 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 हो जाए, तो फैट यूज़ तो तभी होगा जब दूसरी चीज़ें नहीं हैं, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जब अमाइनो एसिड नहीं है। रिमेंबर, आपके कैसे बताऊं, अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो कि कोई एक ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं जो एक वो बनाते हैं मल्टीपर्पस, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड घूम रहे हैं, ये पांच मान लो अमाइनो एसिड है, ये पांच अमाइनो एसिड्स में से चार एक प्रोटीन बनाते हैं, और यही पांच अमाइनो एसिड में से दूसरे कोई चार जाके आपकी मसल बनाते हैं। सो जब ये चार और वे प्रोटीन के अंदर ये पांच ऐसे खुले पड़े हैं, तो ये खुले पड़े आपके शरीर में जाते हैं और खुले पड़े यूज़ होते हैं, जब मसल से एनर्जी यूज़ होती है, प्रोटीन यूज़ होता है, तो वो मसल के चार अमाइनो एसिड खुल के टूट के खून में आते हैं, ये खुल के टूट के खून में अमाइनो एसिड से ही फिर पाइरुवेट एसिड और वो क्रेब साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल में जाते, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। सो आप उनको फ्री अमाइनो एसिड दोगे उस सिचुएशन में जहाँ पर उनके पास में है ही नहीं ग्लाइकोजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बॉडी की तो ग्लूकोज बनाना है ना, ना कि मसल बनाना। क्या करेगी बॉडी उस समय मसल बना के, जब आपके पास में मसल इस्तेमाल करने की शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है? थिंक लॉजिकली, राइट? रिसर्च कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? बाकी रिसर्च प्रूफ्स मैंने अपने वीडियो के लिंक में दिए हुए हैं, डू दैट, गो देयर एंड रीड। प्रॉब्लम इज पीपल डोंट बॉदर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो क्या है, एक हम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं, 10 साल तो ऐसे ही हो गए हमको मेडिकल फील्ड में, सो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़ोरदार हो जाती है कि ये होता है बॉडी के अंदर। सो कुछ चीज़ें इलॉजिकल होती हैं, तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कि इलॉजिकली हमें पता चल जाता है ये चीज़। एक दूसरे बंदा जिसने मान लो पढ़ लिख के कहीं से अपना, वो उसको आएगा कि नहीं आएगा नहीं कह सकते, राइट? दैट्स द थिंग। एनीवेज, ऑल राइट, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 22 मिनट हो गए हैं। विवेक मिश्रा जी, डॉक्टर सर, आई प्रॉब्लम पर भी जानकारी दीजिए और आयुर्वेदिक आई ड्रॉप के बारे में भी बताएं। जनाब, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, ऑल्दो मैं आयुर्वेदिक एक दो चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ या मैं आयुर्वेदिक आई ड्रॉप के बारे में बताऊँगा, ना ही मैं दवाई के बारे में इस तरह से बताऊंगा अभी। हाँ, आई प्रॉब्लम के बारे में एक दो वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा आगे चल के, सो आपकी इस डिमांड के ऊपर हम ज़रूर सोचेंगे। लास्ट क्वेश्चन के एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन उतना वो नहीं था, राइट? सर जी, मेरे लिवर फैटी है, खाने के बाद पेन रहता है और पेशाब पीला आता है, क्या करें? आप अपना बिलीरुबिन लेवल चेक कराइए, आपके लिवर के अंदर फैट के साथ साथ नैश तो नहीं हो रहा, आप फाइब्रो स्कैन कराइए, लिवर फंक्शन कराएं पूरा कंप्लीट, और आप लिवर को हेल्प करने के लिए लाइट डाइट, जितनी लाइट डाइट लेंगे उतना अच्छा है, और फ्रूट्स खाइए लाइट, और बेसिकली आपको देखना होगा लिवर कितना ख़राब है। अगर लिवर ज़्यादा ख़राब है तभी ये होता है, जब पेशाब पीला आता है बेसिकली बिलीरुबिन उसमें आ रहा है, तो बिलीरुबिन या बेसिकली वो जो जॉन्डिस वाला होता है बिलीरुबिन उसमें आ रहा है तो वो गलत है, बार बार आ रहा है तो गलत है, बहुत ज़्यादा आ रहा है तो गलत है। आप देखिए साइंस ऑफ लिवर डैमेज तो नहीं है, जो हमारे लिवर वाले वीडियो में बताए हैं, पेट में कहीं कोई ब्लू रैश तो नहीं है, या फिर पेट में वेन स्पाइडर नहीं है, छोटे छोटे स्पाइडर जैसी वो तो नहीं है, आपके अंदर लिवर पेट में पानी तो नहीं है, पैरों में सूजन तो नहीं है, कभी खून की उल्टी, कभी काली लैटरिन, ऐसी कोई साइन तो नहीं है जिससे पता चलेगा कि भाई लिवर डैमेज हो रहा है, राइट? सो ऐसा कुछ है तो लिवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, लिवर चेकअप कराना पड़ेगा, डेंजरस भी हो सकती है ये चीज़, सो चेक इट आउट, ओके? सो ये हुए आज के सवाल, 24 मिनट हो गए हैं, हम ज़्यादा भी लंबा नहीं लेते, हम चाह रहे हैं लोग इसको बाद में भी देखें कि डर जाएंगे कि भाई साहब इतना लंबा कौन देखेगा, सो इसीलिए 20 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम ट्राई करेंगे 10 से 20 मिनट में ऐसे सेशंस को एंड करने का। आज मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थक गया हूँ, कल से मैं फास्ट बोलूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग, डू कीप शेयरिंग, डू कीप सपोर्टिंग, डू कीप लाइकिंग एंड डू कीप राइटिंग अप टू मी, अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन सवालों को याद रखता हूँ, उस पर आज नहीं तो कल वीडियो ज़रूर आएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके सवाल नहीं सुने जा रहे, बिल्कुल सुने जा रहे हैं, आप पहले 10 में आओ नहीं आओ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड,
स्टे हेल्दी, गुड नाइट।